बहराइच जिले के कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में वन्य जीव के आपसी संघर्ष व मानव वन्य जीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। वन्य जीवों की आबादी की तरफ रुख करना मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। अक्सर देखा जा रहा है तेंदुआ आबादी की तरफ रुख करने के साथ गन्ने के खेत को अपना ठिकाना बना लेते हैं, इसी दौरान मवेशियां और बच्चियों पर हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार की शाम लगभग 6 बजे मूर्तिहा रेंज के सैमरी घटही गांव के मजरा गिरधरपुरवा में घटित हो गई। गांव निवासी 8 वर्षीय बालिका संतोषी पुत्र जगदीश अपनी मां के साथ घर के बाहर भोजन कर रही थी। भोजन करने के उपरांत मां घर के अंदर चली गई, तभी घात लगाए तेंदुए ने बच्ची को दबोच कर ले जाने लगा। बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ सुन परिजन बचाने दौड़े। तेंदुआ परिजनों को आता देख बालिका को छोड़ 5 कदम पीछे हटकर खेत की तरफ भाग गया, किंतु तब तक बालिका के कान छीने और गर्दन में घाव होने की वजह से रक्त स्वात होने लगा। परिजनों ने इस घटना की सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में बालिका को लेकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बालिका की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बच्ची को CSC लाए हैं, घायल है, क्या मामला है? हाँ, क्या हुआ है? इसको बाघ काट दिए हैं साहब। बाघ ने मारा कि तेंदुआ? नहीं, तेंदुआ ने मारा। हाँ, तो कैसे क्या हुआ है, ये घटना कैसे हुई है? और घर में खाना खा मलकिन चले गए, घर में खाना नहीं खा रहे, घर में वो बैठी रहे, आगे जलाए। कै बजे की घटना है? अभी 6:30 बजे की बात है। हाँ, फिर उसके बाद जब तक खाना लेके आए, देखी लड़की नहीं थी, लड़की अभी जब बोलना पे उसके मुँह पकड़ ली, आ फिर साहब जैसे देखी तो दुआरे पे जब एक बार जब वो बाघ रखी से काटे के चक्कर में, फिर लड़की एक बार बोली कि हमको बचाओ, फिर सब लोग दौड़ा का चारी ओर से, फिर शेर 5 कदम पीछे हटा तो लड़की को छीन लिया गया, और फिर वहाँ भी काफ़ी खून गिर हुआ और काफ़ी दिक्कत हो गया डॉक्टर साहब, इसलिए यहाँ लेके आए हैं। ये सूचना वन विभाग को दी थी क्या? हाँ, तुरंत दिए, तुरंत वन विभाग आए। वन विभाग वाले पहुँचे? हाँ, पहुँचे। यहाँ CSC भी साथ में आए हैं क्या? हाँ जी। बच्ची का क्या नाम है? संतोषी। कैसा उम्र है इसकी? 8 साल। 8 साल की। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।